सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो. टाइम पीरियड ऑफ ए मास कैपिटल एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास. एक स्प्रिंग है, वैसे भी मास नहीं बताया होता नेग्लिजिबल, तभी भी मैं लेता. तो नेग्लिजिबल मास है, टाइम पीरियड टी है. इफ अनदर मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, नाउ टाइम पीरियड. आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आसान कैटेगरी में रखता हूँ. अगर एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से मास एम अटैच है, तो टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई. टाइम पीरियड 2 पाई. ओहो, स्प्रिंग का ना एम अपन के होता है, टाइम पीरियड एम अपन के अंडर. दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम. अब ये देखो, अगर मैं इसमें एक एम और ऐड कर देता हूँ, एनदर मास एम इज एड, तो टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू 2π2m हो जाएगा, और एक के अंडर रूट 2m को लिख सकता हूँ रूट टू लिख सकते हैं ना भाई, 2πm/k अंडर रूट. ये तो ये क्या एक्चुअल टाइम पीरियड है, रूट टू टी डैस. तो नया जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो रूट टू टी. मतलब डी ऑप्शन सही. ये इजी क्वेश्चन है, इसको आसान क्वेश्चन बोलता हूँ मैं. एक लाइन कहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन